गोवर्धन के नवनिर्मित बस स्टैंड एवं पार्किंग का परिवहन के एमआर ने निरीक्षण किया। रोडवेज कर्मचारियों के साथ बैठकर जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। हाल ही में गोवर्धन पर करोड़ों रुपए की लागत से सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के लिए गए नए बस स्टैंड एवं मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण किया गया, जिससे बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को अब पहले की तरह समस्याओं का सामना करना जरूरी नहीं होगा। बस स्टैंड पर अब सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं इन्हीं सभी समस्याओं को लेकर जायजा ले रहे एवं रोडवेज कर्मचारियों की समस्याओं को जानने के लिए एमआर मनोज कुमार पुंडी ने रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण किया। वहीं कुछ खामियां भी देखी गई, जिसमें कर्मचारियों के साथ बैठक कर उनको दूर करने के दिशा निर्देश भी दिए गए। जब मीडिया से रूबरू हुए, उन्होंने बताया कि कुछ समस्याएं ऐसी भी हैं जहां सुरक्षा व्यवस्था की है एवं तत्काल दूर करने के लिए भी अवगत कराया गया है, जिससे श्रद्धालुओं एवं स्थानीय यात्रियों को कोई असुविधा न हो। आज जैसा कि उत्तर प्रदेश जो कर्मचारी हैं उनकी संघ की मीटिंग हुई है यहाँ पे, किस बात को लेके हुई है, उनकी क्या मांगे हैं? सिर्फ कारपोरेशन के हित में काम करना है, परिवहन निगम के हित में काम करना है। परिवहन निगम की जनशक्ति कैसे बढ़े, कर्मचारियों की संख्या कैसे बढ़े, बस बेड़ा कैसे बढ़े और जनता को मूल रूप से अच्छी सुविधा हम दे सकें, इसके लिए हमने एक बैठक करेंगे। जैसा कि देखा जाता है काफी साल से परिवहन निगम में कोई परमानेंट भर्तियां नहीं हुई हैं, उसके बारे में आपका संघ क्या एक्शन ले रहा है? जनशक्ति के लिए दोबारा जो है आए हुए हैं, अब हम लोग उनसे मिलेंगे और ये चल रहा है, प्रस्ताव भी चल रहा है। अभी बस हम 1000 बस खरीद रहे हैं, बस के आधार पर हम जनशक्ति बनाने की बात। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संगठन का यहाँ पे कल्याण संगठन का यहाँ पे मीटिंग हुई है, इसको लेके आप क्या कहेंगे और क्या क्या मांगे नहीं कर्मचारियों की? उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी कल्याण संघ की प्रदेश कार्य समिति की मीटिंग हर 3 महीने बाद बैठक होती है, जिसमें प्रदेश स्तर पर और क्षेत्र स्तर पर शाखा स्तर पर परिवहन निगम का प्रबंधन और कर्मचारियों के बीच में तालमेल बना रहे और कर्मचारियों की समस्याएं, विभाग की समस्याएं तथा जनहित की बातें इसमें मुख्य रूप से उठाई जाती है और आम जनता कैसे परिवहन निगम द्वारा ज्यादा सेवा की जाए, सरकार से अपनी बातें कैसे रखी जाए, इस पर मंथन होता है, विचार होता है और ये एक रूटीन बैठक है। इसमें कोई ऐसी मांगे नहीं है कि पर्सनल मांगे है। सर, करोड़ों की लागत से जैसा कि ये परिवहन निगम का ये बस स्टैंड बनाया गया है, मगर यहाँ पर जो बसें हैं वो बाहरी बाहर चली जाती हैं और अंदर नहीं आती, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, सिटी बसों को बहुत प्रतिबंधों के अधीन नहीं चलाया जा सकता। सिटी बसें जिस स्थान से चलती हैं पूरे देश के नगरों में, वहाँ से और अंतिम पॉइंट तक वो सड़क पर चलती है। यहाँ पर प्रायः इस तरीके की मांग करते हैं, ये बस स्टेशन परिवहन निगम का है और वह बसें आती हैं यहाँ पर, ये बसें सिटी बसों का नहीं है, बस स्टेशन उनके लिए प्रायः बात उठती है कि वो बाहर से बाहर जाते हैं, उन्हें बाहर से बाहर जाना ही चाहिए। सर, मैं राजस्थान अलवर वाली बसों की बात कर रहा हूँ, वो बाहरी बाहर निकल जाती है। अलवर वाली बसें राजस्थान परिवहन निगम की हैं, उन्हें बताया गया है, अब क्यों नहीं परवाह करते, एक बार उन्हें कहा जाएगा। और यहाँ पे देखा जा रहा है कि अधिकांश यहाँ बाहर की जो यहाँ जो दूसरी गाड़ियाँ हैं बाहर पूरे रोड पे कब्जा करके रहती हैं और अंदर यात्रियों को आने में भी दिक्कत होती है और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पर कोई भी संसाधन नहीं है, यहाँ सीट भी नहीं लगाई गई है यात्रियों को बैठने के लिए। परिवहन निगम की नहीं है जो बाहर खड़ी रहती है, मैं बाहर अतिक्रमण की बात कर रहा हूँ सर, बाहरी जो गाड़ियाँ हैं प्रशासन से उठाएंगे बात और सुरक्षा की दृष्टि से भी यहाँ पे कोई कैमरे वगैरह नहीं लगाए गए हैं अभी तक और ना ही बैठने के लिए श्रद्धालुओं के लिए सीट लगाई गई है। कार्य होने वाला है, ये बस स्टेशन जो है ब्रज की विकास परिषद ने बनाया है जी, तो उनकी आज बैठक है, उनसे मिलेंगे, आज ये बात उठाई जाएगी, इसको पूरी तरीके से फिनिश करेंगे।